अभिनंदन, आज मेरे भाइयों आपको एक ऐसी वीडियो सौगात में देने जा रहा हूँ, एक ऐसी जानकारी, केवल मात्र 50 रुपए की दवा में, 45-50 रुपए की औषधि जो कि आपकी किचन की शोभा बढ़ाती है, उसका आप योग प्रयोग करें। प्रयोग की विधियां मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों को गैस बनता है उसके लिए बेहतरीन औषधि है। जो माताएं बहनों को मासिक धर्म में अनियमितता रहती है या मासिक धर्म के समय पे पेट में बहुत अधिक दर्द होता है या सूजन आ जाती है बच्चादानी पर, यह उन लोगों को एक बेहतरीन कुदरत की इनायत है। जिन लोगों के आर्थराइटिस की शिकायत है, वायु विकार बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए एक अद्भुत है, एक चमत्कार है परमात्मा का। हम लोग क्या है कि इनकी गुणवत्ता से परिचित न होने के कारण साग सब्जी की तरह खा जाते हैं। यदि जिस दिन हम इन औषधियों को, जिस दिन हम इन बूटियों को इस्तेमाल करेंगे एक सम्मान के भाव से, एक महत्वपूर्ण फीलिंग के साथ में, तो निश्चित रूप से आपके पेट का दर्द, आपके पेट की सूजन और गैस और मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करेगा। जिन माताओं बहनों के लिए मासिक धर्म में दिक्कत है, तो वो एक मिट्टी के पात्र में एक चम्मच अजवाइन को भिगो दें और मासिक धर्म आने से 8 दिन पहले लेना शुरू कर दें, और सुबह के समय खाली पेट या फिर सुबह को भिगोने के बाद रात्रि में अंतिम भोजन के रूप में, खाली पेट माने भोजन के बाद अंतिम भोजन के रूप में, एक गिलास पानी में आप सुबह को एक चम्मच भिगो दीजिए और रात्रि में आप उसको खौला के हल्की आंच पर आधा गिलास पानी जब रह जाए तो छान कर उसको आप पी लीजिए। आप देखेंगे कि सुबह के लिए आपको एक तो शौच माने पेट साफ अच्छा होगा और मासिक धर्म में रिलीफ मिलेगा। जो आप रात्रि में पानी भिगोए, जो एक चम्मच ये भिगोए मिट्टी के पात्र में, उसको आप सुबह लैट्रिन जाने से पहले आप पियेंगे इसी तरह, और इसको पीने के आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। आपके गैस की दिक्कत दिन भर नहीं रहेगा। आर्थराइटिस में आपको मदद मिलेगा। जिन लोगों को भूख नहीं लगता है उनके लिए, जिनको बदहजमी हो रही है, वो लोग इसको इस्तेमाल करके देखें। लग जाए तो खाक की और ना लगे तो लाख की। तो मेरे भाइयों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे भारत की, हमारे सनातन धर्म की, हमारे इंडिया की, हमारी दादी नानी के ये फार्मूले हैं। आज इस टेक्नोलॉजी का, आज इस इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल आप करिए और इसको आगे बढ़ाइए जानकारी के लिए। और बताता हूँ, जिन लोगों के कान में, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी है, अगर कान में कोई दर्द है, मैल मिट्टी है और कोई इन्फेक्शन है, झांझाएं की आवाज़ आता है, तो 4 कली लहसुन के और आधा चम्मच अजवाइन, आप एक 4 चम्मच सरसों के तेल में उसको जो है गरम कर लो, जला दो, बिल्कुल हल्की आंच पे जला दीजिए, और फिर उसको आप एक छान करके शीशी में भर के आप डोपर की तरह इस्तेमाल करें अपने कानों में। इससे आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होगी, कानों का दर्द दूर होगा, और इसी किसी को कोई दिक्कत है पस वगैरह आने की, जिनका कान बहता है वो भी ठीक हो जाएगा। उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिनको हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही हैं, वो लोग भी गर्म पानी के साथ में एक चम्मच अजवाइन को थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, हल्का लाल हो जाए, और आध चौथाई चम्मच काला नमक भोजन के बाद में आप इसका इस्तेमाल करिए, फिर देखिए आपको इस तरीके का संभावनाएं जो हार्ट अटैक की हैं वो ना के बराबर रहेंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। जिन लोगों के लिए ठंड बहुत लगता है, जिनके अफारा जैसी स्थिति रहती है, हमारे यहाँ गांव में बकरियों के लिए गुड़ और अजवाइन मिला के देते हैं, जिनको नजला जुखाम की शिकायत ज़्यादा है, वो लोग
अजवाइन के साथ में गुड़ को मिला करके ले तो उनका सिर का दर्द है, नाक में जो दिक्कत चल रही है, जो कफ की शिकायत है, वो सब फिनिश हो जाएगा। मैं अपना इलाज, अपने मिलने वालों का इलाज इसी तरह से करता हूँ। अगर कोई किसी बिंदु पे वीडियो बनवानी हो आप कमेंट्स करें, फिर मिलूँगा नई जानकारी के साथ। लेकिन इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, आप हमसे जुड़ें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और उस प्रोत्साहन से हम आपकी सेवा लगातार करते रहें।